Please subscribe RK's Theatre and Films Group channel and click bell icon. Watch latest acting tips videos. Hello dosto, you are welcome in RK's Theatre and Films Group. Dosto, hum har bar acting sambandhit aapke liye tips late rehte hain aur is bar hum jo acting tips aapke liye lekar aaye hain वो थिएटर को लेकर है। दोस्तों कई लोग हमें कमेंट करते हैं, हमसे पूछते हैं और कहते हैं कि हम थिएटर कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। उनके इस तरह कुछ सवाल होते हैं कि हाउ टू ज्वाइन थिएटर, व्हाट इज थिएटर, क्या थिएटर करना ज़रूरी है, हम थिएटर कहाँ से सीख सकते हैं। कुछ इस तरह के कई सवालों के आज हम जवाब देने के लिए आए हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं थिएटर को लेकर कि थिएटर क्या है। मैं आपको बता दूं, थिएटर एक ऐसी जगह होती है जहां आप एक लाइव परफॉर्मेंस देते हैं, जहां पर आप एक करेक्टर के साथ, एक नाटक के साथ अपने आप को जीते हैं और एक नए शख्स को, एक नई चीज को आप दूसरों के सामने प्रेजेंट करते हैं। पहली बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि थिएटर और ड्रामा, बहुत से लोग कन्फ्यूज होते हैं इसमें कि थिएटर क्या है और ड्रामा क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि ड्रामा इज ऑन पेज जबकि थिएटर इज ऑन द स्टेज। थिएटर जो है स्टेज पे, मंच पे किया जाता है। जिस तरह से फिल्म होती है, फिल्म में मेकअप होता है, कॉस्ट्यूम होती है, प्रॉपर्टीज होती हैं, लाइट्स होती हैं, माइक्स होते हैं, कैमरा होते हैं, इसी तरह थिएटर के अंदर जब आप कोई नाटक करने जा रहे होते हैं तो आपके सामने लमसम कुछ ऐसी चीजें होती हैं। आपके सामने ऑडियंस होगी, आप एक स्टेज पे एक्ट करेंगे, आपकी प्रॉपर्टी होगी, आपकी कॉस्ट्यूम होगी, आपका मेकअप होगा, आपके डायलॉग्स होंगे, उन डायलॉग्स की एक रिदम होगी जो आप स्टेज पे रोल करते वक्त निभाएंगे। तो दोस्तों इसी तरह से एक मंच पे आप एक आर्टिस्ट के रूप में एक नई जिंदगी जीते हैं। कई बार ये ग्रुप्स के साथ भी होता है, जैसे उसमें एक्टर, एक्टर सपोर्टिव एक्टर है ना, और क्रू, और ऐसे ही कई ऐसे नाटक भी हैं जो सिर्फ एक पर्टिकुलर पर्सन द्वारा किया जाता है, जिसे हम सोलो एक्ट भी कहते हैं। मैं आपको बता दूं कि अगर आप थिएटर करना चाहते हैं, इसके लिए दिल्ली के अंदर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है और इसी तरह से कई स्टेट्स के अंदर इनके कई सेंटर हैं, और यही नहीं कई यूनिवर्सिटीज भी जो हैं आपको ड्रामा में या आपको थिएटर में आपको सर्टिफिकेट कोर्स या डिप्लोमा कोर्स करवाते हैं या बैचलर डिग्री करवाते हैं, मास्टर डिग्री करते हैं, PhD तक करवाते हैं। तो इसकी आप पढ़ाई प्रॉपरली तरीके से कर सकते हैं। ऐसे ही आप अगर थिएटर करना चाहते हैं तो थिएटर के लिए आप अगर कोई स्कूल ज्वाइन नहीं कर पाते तो आप थिएटर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हर स्टेट में, हर सिटी में अपने लोगों ने कुछ ग्रुप्स खोल रखे हैं, आप उन ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां से आप थिएटर के, एक्टिंग के गुणों को सीख सकते हैं। देखिए एक्टिंग आपको कोई सिखा नहीं सकता, आपको ऑब्जर्व करनी होगा, आप खुद से सीखना होगा। अगर आप में लगन है तो आप खुद से सीखेंगे बहुत कुछ, लेकिन अगर आप में लगन नहीं है तो आप इस लाइन में अपना टाइम वेस्ट ना करें। और वहीं मैं आपको बता दूं कि कुछ लोग कहते हैं कि क्या फिल्मों में जाने के लिए थिएटर करना जरूरी है। तो दोस्तों पहली बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि फिल्म में जाने के लिए थिएटर जरूरी नहीं है। कई बड़े बड़े एक्टर हैं जिन्होंने एक्टिंग स्कूल में एक्टिंग सीखी है, नॉट थिएटर। लाइक एक बंद सा कमरा हुआ, बंद कमरे में अपने आप को प्रेजेंट किया, कुछ जैसे लाइक दैट कुछ एक्टिंग स्कूल्स चलते हैं, जो बड़े बड़े एक्टर हैं या डायरेक्टर हैं जिन्होंने अपने एक्टिंग स्कूल खोल रखे हैं, तो वो एक्टिंग सिखाते हैं, वो प्रिपेयर करते हैं लोगों को, कैमरे के लिए प्रिपेयर करते हैं, लाइव परफॉर्मेंस के लिए प्रिपेयर करते हैं। तो इसी तरह आप उन ग्रुप्स के साथ, एक्टिंग स्कूल्स के साथ जुड़ के आप डायरेक्टली फिल्म के लिए भी काम कर सकते हैं। दोस्तों कई लोग पूछते हैं कि थिएटर ज़रूरी है, तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि थिएटर आपको बहुत सी चीज़ें सिखाता है, आपको एक एक चीज़ की बारीकी सिखाता है। थिएटर आपको सिखाता है कि आप पंचुअलिटी है आपके अंदर नहीं है, आप किस चीज़ को कैसे मैनेज करते हैं, आपके सामने कई बार नाटक करते वक्त आपके साथ टू करेक्टर्स आप एक साथ कर रहे हैं और सडनली आपको उसके बीच में सिर्फ 15 सेकंड या 10 सेकंड या 20 सेकंड का ब्रेक मिलता है, तभी आपको कॉस्ट्यूम भी चेंज करनी है, आपका मेकअप भी थोड़ा चेंज करना है। तो इस तरह से आप थिएटर के अंदर आप ये चीज सीखते हैं और कई बार ये चीजें आपको रियल में भी आपको बहुत सी चीजें सिखाते हैं। तो थिएटर से बहुत कुछ सीखा जाता है और लोग सीखते भी हैं, जैसे कि ये टीवी सीरियल या फिल्म एक्टर जिन्होंने थिएटर में एक्टिंग की है वो क्या कहना चाहते हैं, उनको सुनिए आप एक बार। एक्टर स्टूडियो कंपनी थिएटर ये एक ऐसा ग्रुप है जो मेरे मित्र अखिलेश खन्ना ने
दिल्ली में बनाया है, और अखिलेश खन्ना साहब जो है वो मेरे सीनियर रहे हैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में, रेपेट्री कंपनी में भी हमने जो है वो 6 साल साथ में गुजारे हैं। अखिलेश खन्ना बहुत ही टैलेंटेड एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं। मैं चाहूँगा कि अगर आप सब इस ग्रुप में शामिल हों तो इससे बेहतर चांस आपको कभी भी नहीं मिल सकेगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस थिएटर कंपनी में शामिल हों, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये एग्जैक्ट मोमेंट तो मैं नहीं बता सकती, पर हाँ जैसे मैं स्कूल में प्लेज में पार्टिसिपेट करती थी और मुझे जितने भी एक्टिंग प्राइजेस स्कूल में मिले, और मैं डांस भी करती थी, डिबेट भी करती थी, तो एक एक अमेरिकन एक लेडी थी, उसने बोला हिमानी तुम फिल्मों में क्यों नहीं ट्राई करती, नाटक करने में बड़ा मज़ा आता था। और जब मैं MSc कर रही थी तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की गई देहरादून में, तब मुझे पता चला कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जैसी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि थिएटर में ट्रेनिंग देती है, तब मैंने तय कर लिया कि मैं थिएटर करना चाहती। आई थिंक कीप इट रियल, कीप इट ऑनेस्ट, कीप इट हार्ड वर्क, यू नो जस्ट डू व्हाट योर हार्ट टेल्स यू टू। यस, there will be management people, there are a lot of people who will guide you now, which is available, and they're very good people. Ki we should manage your your fame like this, your image like this, your fans like this. I think the only thing you need to manage is manage to act, if you want to be an actor, for a girl or a boy, that's the only thing you need to manage. Otherwise ki dekhiye bichare bacche jo hain hamare, unko subah se leke sham tak lecture milte hain, har aadmi unko advice deta hai, humko bhi logon ne advice ki thi ye mat karo, ye mat karo, mar jaoge ye karoge, to अगर हम यहाँ तक पहुँचे हैं तो इसलिए पहुँचे हैं कि हमने किसी की बात नहीं सुनी, हमने अपने दिल की ही सुनी। मुझे लगता है कि बच्चों को किसी की बात नहीं सुननी चाहिए, अपने दिल में से जो आवाज़ आई उसी को फॉलो करना चाहिए। हाँ, लोगों के पास बैठकर उनसे ज्ञान प्राप्त कर लीजिए, अगर ठीक लगता है तो सहना लीजिए। जिस दौर में मैंने कामयाबी प्राप्त की वो दौर अलग था, मेरी रियलिटीज अलग थी, आज की रियलिटीज अलग है, आज की सिचुएशन अलग है। तो आपको खुद अपने पैरों पे खड़े होकर चलकर अपना रास्ता बनाना पड़ेगा। जैसे पिछले 100 साल तक सभी जो अचीवर्स थे उन्होंने यही किया था, कोई बना बनाया रास्ता नहीं है, कोई कंपस नहीं है। हमने कम से कम 120 स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दी है, 120 125 के स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दी है, ना सिर्फ एक्टिंग में बल्कि ज़िंदगी के बहुत सारे पहलुओं में, कैसे आपको काम मांगना चाहिए, कैसे आपको बिहेव करना चाहिए, डिसिप्लिन में। आपको थिएटर ग्रुप ज्वाइन करना चाहिए, अगर आप एस्पायरिंग एक्टर हो, एस्पायरिंग एक्ट्रेस हो, आप थिएटर ग्रुप ज्वाइन करें। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कई लोग हैं फिल्म इंडस्ट्रीज के अंदर, थिएटर के अंदर, जिन लोगों ने अपने खुद के एक्टिंग स्कूल खोले हुए हैं, जो एक्टिंग सिखाते हैं, एक्टिंग के ऊपर काम करवाते हैं। जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ एक स्टेज पर जाकर ही अपने आप को निखार रहे हैं, ये भी हो सकता है कि आप कुछ लोग एक कमरे के अंदर, एक बहुत बड़े कमरे के अंदर अपने एक्टिंग स्कूल को चलाते हैं। अमूमन दोस्तों मैं कह सकता हूँ कि मुंबई के अंदर लोगों के पास इतना स्पेस नहीं है कि वो एक बड़ा थिएटर में आपको एक्टिंग सिखाएं। कई लोग रूम्स के अंदर भी एक अच्छा खासा फ्लैट लेकर उसमें एक्टिंग वर्कशॉप करवाते हैं, एक्टिंग के गुण सिखाते हैं, एक्टिंग क्लासेस देते हैं। तो एक्टिंग क्लास और थिएटर में बहुत अंतर है। थिएटर में आपको प्रॉपरली बहुत चीज़ें सिखाई जाती हैं, आपको एक पढ़ाई करनी होती है इसकी। एक्टिंग के अंदर आपको सिर्फ आपको कुछ चीज़ें सिखा दी जाएंगी, स्पेशली जो कैमरे के सामने फेस होती हैं, या फिर आप लाइव परफॉर्मेंस के सामने जब करते हैं लोगों के सामने, तब आपको ये चीज़ें बताई जाती हैं उस दौरान। दोस्तों अगर आप थिएटर ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि अगर आप कहीं भी रहते हो, आप दिल्ली, मुंबई, जयपुर, लखनऊ, कानपुर, उत्तराखंड, पंजाब, कर्नाटक, बेंगलोर, आप भारत के किसी भी शहर में रहते हो या शहर के पास के कस्बों में रहते हो, आपके लिए जरूरी है कि आप वहाँ आसपास के लोकल थिएटर को पकड़ें, वहाँ से आप एक्टिंग के गुण सीखें और उसके बाद अपने आगे की मंजिल को देखें कि हाँ यार मैंने यहाँ सीखा, इतना सीखा, अब मैं क्या सीखूँ, अब मुझे और क्या करना है। तो इस तरह से आप फिर जब आप उसको रियलाइज करेंगे कि हाँ यार मैं क्या करूं, जब आपको ये चीज़ समझ आएगी तो इसका मतलब आप अगले प्लेटफॉर्म पे, आप अगले स्टेप पे बढ़ चुके होंगे, आपकी अगली सीढ़ी आ चुकी होगी। तो इस तरह सीखते सीखते आप शायद जो आपका लक्ष्य है, बहुत से लोगों का लक्ष्य होता है कि वो सिर्फ
जिंदगी भर थिएटर में ही काम करते हैं और थिएटर के लिए ही अपना जीवन जीते हैं। लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने थिएटर किया, थिएटर की चीज सीखी और उसके बाद वो फिल्म लाइन में चले। इस लिस्ट में कई सारे बॉलीवुड के एक्टर आते हैं। अगर हम बात करें अनुपम खेर की या फिर नसीरुद्दीन शाह साहब की, ओमपुरी साहब की, अमरीश पुरी साहब की, या फिर नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं, इरफान खान साहब हैं, तो मतलब दीपक डोबरियाल जी हैं, तो मतलब कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने थिएटर किया और थिएटर करने के बाद वो फिल्म की लाइन में चले गए, फिल्म एक्टिंग कर रहे हैं क्योंकि वो ब्रॉडली है। तो लेकिन वो लोग आज भी वो लोग थिएटर को मिस करते हैं। वो लोग जब भी स्टेज पर आते हैं तो मतलब ये समझिए कि वो लोग एक लाइव परफॉर्मेंस देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तभी आपने देखी होगी उनकी एक्टिंग, आप उनकी डायलॉग डिलीवरी को सुनिए। जब इरफान खान बोलते हैं तो वो कुछ भी बोले बड़े सहजता के साथ, बड़े ही एक अलग अंदाज में अपनी एक्टिंग को बयां कर देते हैं। उसी से उनके जो एक्सपीरियंस है, एक्टिंग का एक्सपीरियंस है या फिर थिएटर का एक्सपीरियंस उन्होंने जिंदगी भर जो लिया है उसके बारे में कुछ ना कुछ सर्च करते रहे। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप थिएटर कर रहे हैं या थिएटर करना चाहते हैं या लाइफ में कुछ भी करना चाहते हैं, फिल्म लाइन के अंदर जाना चाहते हैं, टीवी सीरियल में एक्टिंग करना चाहते हैं या शॉर्ट फिल्म में काम करना चाहते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ खोजते रहिए। एक्टिंग आपको बहुत कुछ सिखाएगी। आप सिर्फ अपनी जिंदगी में ही नहीं, जो थिएटर की जिंदगी आप जीना चाहते हैं या फिर फिल्म की लाइन जीना चाहते हैं वही नहीं, आपकी पर्सनल लाइफ में भी आपको बहुत कुछ सिखाती है। कई बार हम अच्छे इंसान होते हैं लेकिन हम जब थिएटर या फिल्म के सामने आते हैं तब हम बुरे इंसान भी हो सकते हैं। हमारा मेकअप कुछ ऐसा होगा, हम कुछ इस तरह के लग सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप थिएटर जमकर कीजिए, अपनी एक्टिंग को निखारिए, अपने टैलेंट को निखारिए और उसके बाद आप अपनी जिंदगी की तरफ एक अगला स्टेप लेने के लिए तैयार। तो दोस्तों मैं यही कहूंगा कि थिएटर करिए, शिद्दत के साथ करिए और उसके बाद अगर आप चाहें तो थिएटर में अपना जीवन जी सकते हैं। इसके लिए आपको आप टीचर बन सकते हैं, एक्टिंग क्लास दे सकते हैं, यहाँ तक कि आप किसी कॉलेज, यूनिवर्सिटी या किसी इंस्टीट्यूट को आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ भी आप अपना काम कर सकते हैं। कई लोग तो वर्कशॉप से भी बहुत पैसा कमाते हैं, तो आप वर्कशॉप भी में जा सकते हैं। अगर आप फिल्म में जाना चाहते हैं तो अच्छी बात है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, एक बार फिर अगली बार हम एक नए टॉपिक पर, एक नई चीज़ को लेकर, आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं कि अगर आपको जिस तरह का भी टॉपिक एक्टिंग के लिए चाहिए आप हमें कमेंट करके लिखिए, हम आपके लिए वही टॉपिक आपके लिए लाएंगे ताकि आपको हेल्प मिले और आप जीवन में आगे बढ़ सकें। दोस्तों जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ, इस बार भी कह रहा हूँ कि अगर आपको हमारा ये टॉपिक या हमारी ये टिप्स पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करेंगे तो इससे ये होगा कि हमारा कोई भी लेटेस्ट एक्टिंग टिप्स जो भी बनेगा वो आपके पास ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगा और आप हमेशा एक्टिंग के लिए अवेयर। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आरकेएस थिएटर ग्रुप नेक्स्ट मंथ अपनी एक्टिंग वर्कशॉप कर रहा है। मैं आपको बता दूं कि हमारी जो वर्कशॉप है ये मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन के पास दिल्ली में होगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, यहाँ तक कि हमारी वेबसाइट भी है, उस पर भी आके आप क्लिक करके आप हमारा कॉन्टैक्ट नंबर ले सकते हैं।